नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी के टाइम में जो भी जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है बिहार में, तो जमीन दाखिल खारिज जब भी आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको इंस्टेंटली तुरंत जो है केस नंबर नहीं मिलता है, वहाँ पे जो है टेम्प्रेरी नंबर मिलता है। पहले जब भी आप ऑनलाइन करते थे या फिर करवाते थे तो आपको केस नंबर जनरेट हो जाता था इमीडिएटली, लेकिन अभी टेम्प्रेरी नंबर जनरेट होता है। टेम्प्रेरी नंबर लेकर के आपको अपने कर्मचारी से मिलना होता है, तब जा करके आपका केस नंबर जनरेट होता है। तो कैसे आप अपने टेम्प्रोरी नंबर से या फिर आप अपनी ज़मीन के खाता खेसरा नंबर से केस नंबर निकाल सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सबको बताने वाला हूँ, जिसमें बताऊँगा कि कैसे आप टेम्प्रोरी नंबर या फिर आपके पास में ज़मीन का खाता खेसरा नंबर उससे आप केस नंबर कैसे निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊँगा, यदि आपको मान के चलिए कि कुछ भी नहीं मालूम है ज़मीन का खाता खेसरा कुछ भी नहीं मालूम है, यदि सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन ज़मीन का दाखिल खारिज होने वाला है, कहीं आपका ज़मीन का कोई भी दाखिल खारिज तो नहीं करवा रहा, तो ये सब कुछ आप बिना खाता खेसरा नंबर के भी जान सकते हैं। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। खारिज का आवेदन स्थिति देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बिहार भूमि लिख करके सर्च करना है। जैसे आप बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो बिहार भूमि सुधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी के सामने में ओपन हो जाएगा। इसी जगह से आप ज़मीन का जितना भी कामकाज होता है सारा कामकाज आप कर पाते हैं, जैसे कि ज़मीन का रसीद निकालना है, दाखिल खारिज करना है और भी काफ़ी कुछ यहाँ से जान पाइएगा। यहाँ पर इस तरीके से पहली बार अगर आप ओपन करते तो पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। पॉपअप मेन्यू में लेटेस्ट जो भी ऑप्शन इसमें ऐड किया जाता है उसका यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। यदि इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो एक क्लिक में आप उस ऑप्शन के ऊपर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा इसको क्लोज कर देना है। जितना भी ऑप्शन उसमें था सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे इस पेज पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम दाखिल खारिज का स्थिति देखना चाहते तो यहाँ पे आपको दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखे इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना ज़िला, ये पूरे बिहार भर के लिए है तो पूरे बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सभी ज़िले का नाम यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आपको अंचल सेलेक्ट कर लेना, वित्तीय वर्ष, और यहाँ पे आपको प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन ये सब आपका लॉक हो गया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यदि चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रीसेट करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास में केस नंबर है तो यहाँ पर आपको केस नंबर के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आप केस नंबर जानते हो तो यहाँ पर आपको केस नंबर टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर जो सुरक्षा कोड है देख रहे हैं ये जो दोनों दिखाई दे रहा है 7+8, इसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे टैप करके सर्च के ऊपर में क्लिक कर देना। यदि आप केस नंबर नहीं जानते हैं तो केवाला नंबर जो होता है डीड नंबर उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप खाता खेसरा नंबर से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मोजा के ऊपर में क्लिक कर देना है। मोजा के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा फिर इस बॉक्स के ऊपर में आप सभी को एक बार टिक लगा देना। यहाँ पर आपको अपना मोजा सेलेक्ट कर देना है, जो भी मोजा है। अब यहाँ पे जो आपका खेसरा नंबर होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। खेसरा नंबर टाइप कर देना, यहाँ पर आपको कैप्चर जो भी है उसको फिल करके सर्च के ऊपर में क्लिक कर दे। यदि इस खेसरा का अगर दाखिल खारिज आवेदन हुआ है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई देगा, यदि नहीं हुआ है तो यहाँ पे डेटा उपलब्ध नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप आवेदन किए हैं और आवेदन करने के बाद जो है आपका वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अब आप सभी को बताना चाहते हो कि यदि आप सिर्फ इतना पता करना चाहते हैं कि आपके गाँव में, आपके ग्राम पंचायत में, आपके मोजे में कौन कौन ज़मीन का दाखिल खारिज कौन करवा रहा है, ये देखने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसी ऑप्शन की मदद से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिस अपना जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और यहाँ पे प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोजा से खोजे के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना मोजा सेलेक्ट कर लेना और ये जो खेसरा वाला ऑप्शन है इसको आपको अनटिक करके रखना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। और जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, सर्च बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे सर्च बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा नीचे के साइड में देखिएगा का पूरा लिस्ट आप सभी को यहाँ पर दिखाई देगा। जो भी मोजा आप सेलेक्ट किए इसमें जितना भी दाखिल खारिज हुआ है सबका लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ से आप पूरा दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिनका भी दाखिल खारिज ऑनलाइन हुआ है सबका यहाँ पे लिस्ट में नाम दिखाई देगा। यदि इसका डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, आँख टाइप का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है चिन्ह, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप केस नंबर, खाता खेसरा नंबर, कितना ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है, किस खाता खेसरा नंबर में कितना ज़मीन यूज किया गया है, सब कुछ आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी मोजा का दाखिल खारिज आवेदन का स्थिति देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाए कि बिहार में अगर आप ज़मीन दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए तो आपको टेम्प्रोरी नंबर मिलता है, तो आप केस नंबर कैसे निकाल सकते हैं अपने खाता खेसरा नंबर से। और यदि सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके मोजे में, आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन ज़मीन का दाखिल खारिज हो रहा है, किस खाते खेसरा नंबर का हो रहा है, कुछ भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फ्री में चेक कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।